हिंदुस्तान के अंदर अभी कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी साहब को खरीद सके। आरोप तो उस पे भी लगे थे, मायावती पे भी, लोगों जी हाथियों में रुपए भर रखे हैं उनने, साबित तो नहीं कर पाया कोई भी। तुम वोट की बात कर रहे हो, हम ओवैसी साहब के लिए अपनी जान देंगे। अब आजम का हमारा है और इंशाल्लाह ओवैसी की पार्टी में आएंगे। इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश में लोकदल कितनी पुरानी पार्टी है बड़े भाई? मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं ना, कितनी पुरानी पार्टी है। एक छपरा से विधायक जीतते हैं वो भी बीजेपी में भाग जाते हैं, उससे सवाल कभी नहीं किया भाई साहब। रामविलास पासवान की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, पूरे प्रदेश की 243 सीटों में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है, एक नहीं जीत रोटन डाल जी। आप क्या समझ रहे हैं, हम 19 लड़ते हैं, 19 में 5 जीतते हैं जी, तो हमारा हरवा दिए जाते हैं, कहीं जा के हरवा दिए जाते हैं, तो वोट किसने काटा हमारा? अगर हमारा वोट नहीं कटता तो हम ही जीतते हैं। हां सही बात है, और हमारी तादाद ज्यादा है तो वोट हमारे कट रहे थे अब से पहले जी, समझ गए ना। अब हम जहाँ जा रहे हैं अपने वोटों को इकट्ठी कर रहे हैं, हम वोट कटवा कहाँ से होगा जी? जी सही बात है, समझ गए नहीं? बिल्कुल सही। सपा के लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को यहाँ वोट ही नहीं है। अरे सपा वाले पगला गए हैं भैया। हमने अभी कई लोगों से रैली में बात की, कह रहे असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ सुनने के लिए आया। अरे झूठ बात है, नहीं मिली बात, चलो एक नहीं मिली। सारे वोटों में तब्दील है तो तुम्हें पता लग जाएगा, वोट सुनने को आए हैं जितने भी आए हैं। भाई बात सुन लो, जितने भी आए हैं सब वोटों, हर घर में जैसे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी से ज्यादा आम लोग वर्कर बन गए थे, उससे ज्यादा आज ओवैसी साहब के वर्कर हैं, इंशाल्लाह, समझ गए ना। और वोटों में तब्दील की बात करें, आपके 2022 होने दो, पता चल जाएगा आपको। बस ओवैसी साहब पूरी लगभग, मैं तो मानता हूँ कि भाई ओवैसी साहब को 403 लड़ने चाहिए, मगर उनकी अपनी सोच है कि वो 100 लड़े हैं या 50 लड़े हैं, वो देखें। क्योंकि गठबंधन की भी राजनीति है, भाजपा का विरोध, ये सब काम। और एक चीज और बताते हैं, इसी महाराष्ट्र के अंदर, आपको महाराष्ट्र के अंदर दो गठबंधन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जी जी ठीक है। एक दूसरा गठबंधन होता है राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, दोनों चुनाव होने के फौरन बाद, रिजल्ट आने के बाद उद्धव ठाकरे के साथ निकाह कौन करती है? सोनिया गांधी करती है, पता है ना आपको। वोट किससे लिया? मुसलमान से। किसको रोकने के लिए? भाजपा। कभी मीडिया ने सवाल नहीं किया? ये गोदी मीडिया बड़ी परेशान करने वाली है, इसको ही देखना बंद करना चाहिए। आप युवा हैं, मैं युवा हूँ, मेरा तो एक ही कहना बस, अगर ईवीएम हट जाए हिंदुस्तान से, जितनी ईवीएम हट गई कल बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जितनी ईवीएम हट गई, ईवीएम मशीन जितनी यहाँ से गायब हो गई, अगर लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, पक्का है मुझे पता है। मैं काम करता हूँ पब्लिक सिटी का, मेरा वहाँ पर जाता हूँ, मैंने जिसके साथ भी मैंने पूछा, हिंदू है मुसलमान हो, सब ने इनको गाली बकी, ये हर चीज है, चूतिया बना रहे, पेट्रोल देखो 100 से पार हो गया वो देखो, लेकिन मैं चीजों इसको जिम्मेदार मानते हैं, महंगाई को, महंगाई को मोदी, अमित शाह, योगी, ये तीनों है। जैसे देख लो तुम्हें क्या करा 2017 में, कितने का क्या रेट था, 57, 58, 60, उसके बाद में कितनी महंगाई चढ़ गई। और बताओ क्या बोला, 4-1-1 बताओ कि यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की, कह रहे हैं कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए, सुनने नहीं आए, 2022 करिए, हम जो है आपको तेज मजबूत के साथ वोट दिखाएंगे, इंशाल्लाह जीत भी हमारी हो, इंशाल्लाह साखी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, और एक दिल बचा था वो भी ओवैसी के नाम लिखा। जितने भी लोग आए थे सिर्फ ओवैसी को सुनने के लिए आए, वोटों में तब्दील नहीं होगा। नहीं नहीं, नहीं। सब दिल से है, कोई किसी जगह करो ना, हैदराबाद के अंदर हमारे भाई के छोटे भाई हैं, लॉकडाउन चला, 12.5 करोड़ रुपए का गरीब दुकान का आओ सामने मैदान में, खबर कैसे नहीं रहा, अच्छे स्कूल मिलते हैं वहाँ, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है गरीबों को। हैदराबाद के अंदर हॉस्पिटल में 20 रुपए में 3 महीने इलाज, जिसमें कि आपका ऑपरेशन हो, एनी वे कुछ भी हो, फुल दवाइयां सब फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ गए ना। और जो लोग ओवैसी साहब की बीजेपी की बीटी में
कि हिंदुस्तान के अंदर अभी कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी साहब को खरीद सके। कौन भारी पड़ता है किसी पे? अगर है किसी के अंदर तुम तो बैठाओ यार, दो पेड़ है, दो आम के पेड़ है, एक तो है बंजर, एक तो है फल, ठीक है। अब भैया आप मेरे को खुद ही बता दो, आरोप तो उस पे भी लगे थे, मायावती पे भी, लोगों जी हाथियों में रुपए भर रखे हैं उनने, साबित तो नहीं कर पाया कोई भी, हमें तो कोई साबित करो। हम एक बात बताओ, हमारी सब कुछ जो है, हमारी जब आवाज में बोल रहा है, सबको हमने अजमा के देख लिया है। एक बार हमें तुम वोट की बात करते हो ना, तुम वोट की बात कर रहे हो, हम ओवैसी साहब के लिए अपनी जान देंगे, अपने खून का कतरा कतरा देंगे। वालों को तो वोट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या मुसलमानों को बताओ, आज हम जेल में है, दो साल हो गए, चोरी करेंगे, बकरी चोरी में जेल जाएंगे, बकरी चुराएंगे, क्या उनका गुना क्या है? उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो बनाई है बस, और कुछ नहीं है। वो जमीन हड़पेंगे लोगों की, उनपे इतना पैसा है, फिर भी सर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ गए हैं, वो चोरी करेंगे क्या? पढ़े लिखे होंगे आप? चोरी पकड़ी चोरी करोगे? बताइए, सपा ने दिया क्या? लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव ने धरना प्राप्त करा, अब तक 6 महीने पहले, आजम खा के ऊपर करते तो आजम खा जेल से बाहर होते, बताइए क्या करा? उन्होंने बताओ क्या करा? वो शाहिद मंजूर अपना चाहता है कि मैं नेता बनूं, ठीक है, ये किसी के बारे में कोई कुछ करना चाहता नहीं, बताइए तो सपा में तो ओवैसी के लोग हम अब आजम का हमारा है और इंशाल्लाह ओवैसी की पार्टी में आएंगे, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी भारी बहुमत से यहाँ पर जीत रहे हैं जो उनके कैंडिडेट हैं, लेकिन साफ तौर पर ये भी कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो उस पर भी बात होनी चाहिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।